नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए आपको एक 3 BHK दिखाते हैं। पहले अंदर आके देखिए, जैसे हम अंदर एंटर करेंगे तो गेट के बिल्कुल साथ में ही ये एक बेडरूम आएगा, जिसकी ऊपर कबर्ड्स हैं और डाउन सीलिंग है, फैन है। और जो कबर्ड्स हैं ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बनी हुई हैं और अंदर भी लेमिनेटेड है। इसके साथ ये छोटा कबर्ड है, ये 2 विंडो हैं। ये बैल्कनी से व्यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बढ़िया वॉशरूम है, प्रॉपर फिटिंग हो रखी है सारी की सारी। और मिरर के साथ यहाँ पे सब कुछ है, फिटिंग सारी की सारी जैगवार की है। और जो LED वाला यहाँ पे आपका मिरर है, टच स्क्रीन जिसको बोलते हैं। और ये बेडरूम है जिसके अंदर ऊपर डाउन सीलिंग है, स्प्लिट AC की प्रोविजन है, और ये एंट्री के ऊपर ही राइट हैंड साइड पे है। अब हम चलते हैं, और जैसे यहाँ से एंटर हुए तो ये आपका मेन हॉल आ गया। अब मेन हॉल के अंदर ऊपर शानदार लाइटिंग, और यहाँ स्प्लिट AC की प्रोविजन है। और ये बालकनी है जो ये बाहर, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, तो बाहर का सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई पड़ेगा। और ये वुडन का जो है यहाँ पे फ्लोरिंग लगी हुई है, ये वाली बालकनी है। और सामने आपको फिर 2 बेडरूम मिलेंगे, एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम सामने है, एक हम ऑलरेडी देख आए हैं। तो यहाँ किचन है, किचन बिल्कुल 11 फिट लंबी है। और जो ये कैबिनेट आपको दिखाई पड़ रही हैं, एज इट इज सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और ग्रेनाइट बड़ा शानदार है, ये बॉक्सेस हैं यहाँ पे अंदर भी, और ये मैश डोर साथ में दिया गया है, बाहर बालकनी है यहाँ पे भी। और ये जो ग्लास के डोर हैं यहाँ पे कबर्ड्स, ये एज इट इज आपको मिलने वाली है। और नीचे जो मॉडलर किचन होती है सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी जो डोर हैं वो किचन की कैबिनेट्स के ग्लास दिए गए हैं। तो बाहर का व्यू है यहाँ पे, ये जो लाइटिंग है ये ड्राइंग रूम की है, जो इंक्लूडेड नहीं है बीच में। और इस बेडरूम का जो साइज है, ये मास्टर बेडरूम है, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे डिजाइनिंग है। सामने इसके जो कबर्ड्स हैं, टाइल्स हैं शानदार। और जो कबर्ड हैं ये खोल के दिखा देते हैं, यहाँ पे लैमिनेटेड है अंदर से भी वुडन। और इसकी भी ये कॉर्नर पे बालकनी है, तो यहाँ इसकी भी बालकनी है। और इसका इस तरफ अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी किंग साइज है। तो यहाँ सारी की सारी फिटिंग हो रखी है, जैगवार की फिटिंग है यहाँ पे। और जो मिरर है यहाँ पे भी टच वाला है, तो ये आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। और जो सीट्स हैं सारी की सारी जैगवार की हैं। साथ ये सेकंड रूम आ गया, और इसके अंदर भी पूरी की पूरी कबर्ड्स बनी हुई हैं, ऊपर LEDs हैं। और इसकी भी बालकनी है, तो 3 कमरे हैं, उसमें से 2 पे बालकनी है, कॉर्नर हैं 2। और बढ़िया यहाँ पे सिंपल जैसे फ्लैट मिलना है वैसे यहाँ दिखाया गया है। तो ये 3 BHK है, इसमें स्टिल्ट में पार्किंग रहेगी, लिफ्ट रहेंगी 2, एक नॉर्मल लिफ्ट रहेगी प्राइवेट, और एक कार्गो लिफ्ट रहेगी। सेक्टर 123 की जो मेन एयरपोर्ट रोड है, जस्ट उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। घर के बिल्कुल साथ में आपको स्कूल मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको एक बहुत बढ़िया मार्केट मिल जाएगी। लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको मार्केट घर के डोर स्टेप के ऊपर है। और स्टिल्ट पार्किंग वाले यहाँ पे बहुत कम यूनिट हैं, और ये 8 फ्लोर की टोटल बिल्डिंग है। इसमें आपको रेडी टू मूव यूनिट भी मिल जाएंगे,
और अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि आने वाले 2 साल में अगर आपको लेट पोजेशन चाहिए वो भी मिल जाएंगे। चंडीगढ़ जाने के लिए यहाँ से आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे क्योंकि बिल्कुल 200 फीट रोड के ऊपर आप हो और लोकेशन काफ़ी प्राइम है, हाई राइज बिल्डिंग है, फ्रेश बनी हुई है। और अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए तो 60 to 90 लाख रुपीज़ यानी कि 62 लाख रुपीज़ 90,000 के अंदर आपको ये आज ही अवेलेबल है। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी हो जाएगी, जैसे फर्नीचर है, इंटीरियर का काम कराना है, वो पार्ट ऑफ नेगोशिएशन भी हो सकता है। और अगर आपको फ्यूचर में इसको चाहिए तो आज से 2 साल के बाद पोजेशन या 1.5 साल के बाद पोजेशन या साल के बाद पोजेशन वाला अगर आपको चाहिए तो वो आपको प्राइस वाइज इससे कम मिल जाएगा रेडी टू मूव की वजह से। लेकिन वो लेने में आपको और बेनिफिट होगा क्योंकि उसमें आपको पैसा आराम से देना पड़ेगा, लेकिन जब तक उसकी पोजेशन होगी वो 20 लाख के आसपास उसके में एप्रिसिएशन भी आपको आ जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है जिसमें पैसा आपका थोड़ा थोड़ा लिख करके जाएगा लेकिन जो एप्रिसिएशन है आपको फुल अमाउंट के साथ मिल जाएगी। तो लोकेशन बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फैसिलिटी सारी आसपास हैं और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने दिखाया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, मोस्टली बिल्डर ये नहीं लगाते हैं बट फॉर्चुनेटली या थैंक्स गॉड कि इन्होंने पहले से लगा रखा है और वो वर्किंग में है और इस टावर के अंदर ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, लोग यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी और आप हमारी वेबसाइट propertyupdates.co.in पे भी लॉगिन कर सकते हैं। वो उस पर आपके बजट के हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे वीडियोज़ की। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करते ही आपको उसी ब्रैकेट के अंदर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।